फंड्स में अवेलेबल है। देखिए आज हम निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे कल के, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं बन सकती है निफ्टी में। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडीज, इसमें जरूर जुड़िए। ब्लॉग है www.blogspot.com, फेसबुक पेज है हेजिंग स्टडीज, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सएप नंबर है 9699646408। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले चार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं चार्ट में। यहाँ देखिए हमें लास्ट में ये एक बाय सिग्नल, एक सेल सिग्नल मिला था, उसने अपना काम करके दिया। अब यहाँ पर बाय सिग्नल हमें मिला है, तो बाय में भी उसने काम करके दिया है। चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट पे बाय दिखा रहा है निफ्टी, लेकिन हम डेली चार्ट पे भी एक बार देखेंगे कि डेली चार्ट पे क्या है। डेली चार्ट पे आने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए टेलीग्राम चैनल है हमारा हेजिंग स्टडी, इसमें जरूर जुड़िए, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं। देखिए ये ब्लॉग है हमारा www.blogspot.com, इसमें भी आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ मिलती रहती हैं। ये देखिए पूरी सब लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और कुछ लिंक्स हैं जिन लिंक्स का मैं यूज़ लेता हूँ यहाँ से, इन लिंक्स का भी आप भी यूज़ ले सकते हैं। इस ब्लॉग का आपको एक बेनिफिट और क्या रहेगा, आप इस ब्लॉग को अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज़ आप गुजराती हैं, गुजराती लैंग्वेज में आपको पढ़ना है ये ब्लॉग, तो यहाँ पर देखिए ये गुजराती में पूरा कन्वर्ट हो गया, गुजराती आया, ये देखिए ये पूरा गुजराती में कन्वर्ट हो गया। तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। ओके चार्ट देख लेते हैं। देखिए डेली चार्ट आ गया, डेली चार्ट में यहाँ सेल दिया है 12,000 के पास में, आप देख रहे हैं डेली चार्ट मेरा जो सेटअप है, यहाँ सेल दिया है डेली चार्ट में 12,200 के पास में, दिख रहा होगा आपको, और अभी तक बाय सिग्नल नहीं दिया है। 12,200 में शॉर्ट दिया, मैं आपको यहाँ से 12,200 से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है शॉर्ट करो, और आप देख लो कहाँ आ गया है निफ्टी। ओके तो इस तरह से हमारा सेटअप काम करता है। अब मैं ऑप्शन चेन थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। देखिए डेली चार्ट पे हमें शॉर्ट दिखा रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे, इंट्राडे चार्ट पे हमें निफ्टी ने बाय दिखाया। ऑप्शन चेन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑप्शन में एक्चुअल में क्या हुआ है आज, ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एट द मनी के पास चलते हैं, 11,300 में कॉल साइड देख लेते। देखिए फ्रेश बाइंग है यहाँ पे कॉल्स में, यहाँ पर क्या है फ्रेश बाइंग है कॉल साइड में। देखिए ये शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पर, ये जो है शॉर्ट कवरिंग कौन से लेवल पे, 11,150 यहाँ पे फिर फ्रेश बाइंग है, ये फिर शॉर्ट कवरिंग और ऊपर तक फ्रेश बाइंग, अच्छा 11,450 में अच्छी खासी बाइंग है, 500 में कुछ खास नहीं, लेकिन ऊपर इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अभी यहाँ है 16 लाख, 14 लाख इधर, 18 लाख इधर, 11,500, 400 और 300। ओके 400, 500, 300 और 11,000 रुपये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा देखिए 11,000 रुपये जो कॉल शॉर्ट थे ना, उसमें से थोड़ा ही कवर हुआ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल 5,000 क्वान्टिटी ही कवर हुआ है यहाँ पर 11,000 के कॉल में, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा पुट साइड का डेटा देख लेते हैं, पुट साइड में क्या हुआ है 11,300 में, देखिए अच्छी खासी पुट राइटिंग, यहाँ ये सब पुट राइटिंग है 11,000 में, अच्छी खासी पुट राइटिंग है। ओके 15 लाख इधर, 19 लाख इधर, 12 लाख इधर, 11,300 तक ही है पुट राइटिंग। ओके और उसके बाद ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, पुट में जो लॉन्ग बने थे वो कट गए हैं। देखिए कल का जो बाजार मेरे को समझ में आ रहा है, गलत भी हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि सही है, 11,303 में क्लोजिंग दिया है, 11,303 में, यहाँ से कल एक गैप अप अगर लेता है, गैप अप भी मेरे को ज़्यादा लगता नहीं कि 11,400 के ऊपर तक गैप अप देगा, लेकिन अगर ये 11,400 के आसपास अगर गैप अप आता है, इसके आसपास आता है,
दो शॉर्ट बनेगा, और वो जो शॉर्ट बनेगा वो बनेगा हमारा ये लेवल के लिए 11,100, ये लेवल के लिए शॉर्ट बनेगा। लेकिन 11,100 के बीच में आप ये भी पकड़ लो थोड़ा सा, 11,200, 11,200 और 11,100, ये लेवल पकड़ सकते हैं। इसके लास्ट में मैं 7 लगा देता हूँ, 11,100 या 11,200 ये आप पकड़ सकते हैं। इस लेवल के आसपास आता है, 11,400 के आसपास अगर आता है तो हम शॉर्ट करके काम करना पसंद करेंगे। देखिए कल खुलते ही शॉर्ट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान देनी है, थोड़ा सा ऊपर आने देंगे उसके बाद शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट में इसके साथ हम क्या करेंगे, अगर हम शॉर्ट करेंगे तो इस अपनी पोजिशन को हैच कर लेंगे, जिससे हमारा रिस्क हो जाएगा मिनिमाइज। क्योंकि बाजार आफ्टर ऑल ओवरऑल देखो, आज बहुत दिन से बाजार को नीचे लेके आ रहे थे, एक शॉर्ट कवरिंग बाजार ने बनाई है, और थोड़ा बहुत फ्रेश बाइंग भी हुआ है ऑप्शन साइड में, अगर मैं देखें थोड़ा बहुत फ्रेश बाइंग है। तो इसलिए मैं अगर अपनी बात करूँ तो शॉर्ट करके काम करना पसंद करूंगा। आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर से राय लेके करिएगा, हमेशा मैं कहता हूँ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से मैंने चैनल बना रखा है। अब मैं वेट करूंगा 11,200, 11,100 के नीचे अगर क्लोज देता है, और मेन जो मेरा है हर्डल वो यह है 11,000, 11,000 का मेन हर्डल है। अगर 11,000 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग दिया, क्लोज अगर 11,000 के नीचे दे दिया तो फिर ये वाला लेवल है 11,777 जो मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो कल तो इतना नीचे नहीं बोलूंगा, लेकिन ये यहाँ तक बाजार आ सकता है ऐसा मेरे को लगता है, गलत भी हो सकता हूँ। तो आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइस राय लेके करिएगा, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइस राय लेके करिएगा। आप अगर ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, ये स्ट्रेटजीज का आप स्टडी करके नोट्स बना के अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।